हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर प्लेस वेलकम टू द चैनल फिजिक्स जंक्शन बाय टी के कुरल आज मैं जो नया टॉपिक लेके आई हूँ वो है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल कि इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है इनके बीच में क्या रिलेशन है या इनके बीच में क्या कंपैरिजन है वो आज हम आज की वीडियो में हम वो स्टडी करेंगे फर्स्ट क्या है हमारे पास इनर्शियल मास इनर्शियल मास क्या होता है वो मास जो बॉडी के साथ रिलेट करता है लीनियर मोशन में जब वो बॉडी के सपोज हमारी बॉडी ऐसे मूव कर रही है लीनियरली ठीक है तब हम क्या बोलेंगे कि उसका जो मास है बॉडी का वो क्या है इनर्शियल मास है मीन्स कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई पुश नहीं है कोई पुल नहीं है कुछ नहीं है वो लीनियरली मूव कर रही है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन इसको हम बोलेंगे इनर्शियल मास इस इनर्शियल मास को हम क्या करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है उससे हम कैसे डिफाइन करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टू तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई भी बॉडी है जिसका मास है एम आई और वो मूव कर रही है विद एक्सलेशन ए अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ तो उस केस में हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लगेगा एफ इज इक्वल टू एम आई इंटू ए मास इन टू अब यहाँ से मास की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी मास की वैल्यू एफ ए अब हमने क्या करना है यहाँ पे जो मास है अगर हमारे पास acceleration की वैल्यू यूनिट हो जाती है इफ ए इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन तब क्या होगा हमारे पास जो एम आई है वो क्या करेगा न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा किसके फोर्स के इक्वल हो जाएगा जब हमारे पास एक्सरेशन की वैल्यू यूनिट हो जाती है जब हम यूनिट एक्सरेशन अप्लाई कर रहे हैं उस केस में हमारे पास जो मास है इनर्शियल मास यहाँ पे आई डिनोट कर रहा है इनर्शियल मास को उस केस में हमारे पास जो इनर्शियल मास है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा फोर्स के वैन यूनिट एक्सरेशन इज गिवन तब उस केस में क्या होगा ये फोर्स के इक्वल हो जाएगा तब हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे इनर्शियल मास की इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सरेशन इन द बॉडी सो ये क्या है हमारे पास इनर्शियल मास इनर्शियल मास क्या है जब हम एक लीनियर डायरेक्शन में लीनियर मोशन में जब कोई बॉडी मूव कर रही है तब उस केस में हमें जो मास होगा बॉडी का वो क्या होगा इनर्शियल मास होगा So, ये है डेफिनेशन इनर्शियल मास की अब ये क्या है जो इनर्शियल मास होता है इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता इनर्शियल मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता और इसके प्रॉपर्टीज क्या है ये क्या है हमारे पास जो इनर्शियल मास होता है बॉडी का वो प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रोपोर्शनल होगा कि उस बॉडी वो जो मास है उस बॉडी का जो मास है उसमें जो मैटर कंटेन कर रही है वो बॉडी उसकी क्वांटिटी कितनी है जो इनर्शियल मास है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो हमारे पास बॉडी कंटेन कर रही है मैटर को उसकी क्वांटिटी कितनी है सेकेंडली ये डिपेंड करेगा उस बॉडी के साइज के ऊपर शेप के ऊपर और जो स्टेट है बॉडी की कि वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है सोलिड स्टेट है लिक्विड स्टेट है या कैशियस स्टेट है कौन सी स्टेट में हमारे पास बॉडी प्रेजेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता देर इज नो इफेक्ट ऑफ देर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बॉडी फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसमें इनर्शियल मास इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ अदर बॉडीज मींस की जैसे ग्रेविटेशनल मास है उसमें फर्क पड़ता है क्यों क्योंकि बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बट इनर्शियल मास में क्या है कि कोई भी बॉडी किसी भी एक एक सिंगल यहां पर एक बॉडी प्रेजेंट है यहां पर एक बॉडी प्रेजेंट है यहां पर कहीं पे भी कोई भी बॉडीज प्रेजेंट है एक या एक से ज्यादा तो किसी भी एक किसी बॉडी पर भी उस दूसरी बॉडी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनकी जो वैल्यू होगी जो इनर्शियल मास होगा बॉडी का वो कंजर्व रहेगा चाहे हम टू बॉडीज को कंबाइन कर रहे हैं फिजिकली या फिर केमिकली जब हम दो बॉडीज को फिजिकली या केमिकली कंबाइन कर रहे हैं उसका जो इनर्शियल मास है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है जो इनर्शियल मास है बॉडी का वो इंक्रीज कर जाता है जब हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट ऊपर ले देती हूँ हमारे पास ये फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर द रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जब हमारे पास इनर्शियल मास अगर हमारे पास बिलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी जब हमारे पास बिलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस केस में जो हमारे पास इनर्शियल मास है बॉडी का वो भी क्या कर जाएगा इंक्रीज करेगा जब हमारे पास इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इनर्शियल मास भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा ये थी प्रॉपर्टीज किसकी इनर्शियल की इनर्शियल मास क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज हमने की थी अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल मास ग्रेविटेशनल मास क्या है उसको हम कैसे नाम से पता चल रहा है कि उसमें ग्रेविटेशन का रोल होगा ही होगा तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे अब हम वो देखते हैं अब हमने यहाँ से क्या करना है ग्रेविटेशनल मास की डेफिनेशन क्या होती है हम वो देखेंगे ग्रेविटेशनल मास क्या होता है बॉडी का वो किससे रिलेट करता है ग्रेविटेशनल पुल से रिलेट करता है ग्रेविटेशनल मास क्या करता है ग्रेविटेशनल पुल से रिलेट करता है किसी भी बॉडी के उसको हम किस कैसे डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम जी ओवर आर स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल एम क्या है मास ऑफ अर्थ आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल एम जी क्या है कि हमारे पास कोई भी मास है जो अर्थ की के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है ये उसका मास है कोई भी बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है उसका मास है यहाँ से अगर हम एम जी की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू कितनी आएगी ये जी एम ओवर आर स्क्वायर अब इस पूरी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको हम किसके इक्वल रख देंगे इंटेंसिटी के ऊपर रख रखें इंटेंसिटी के इक्वल रख देंगे अब हम इस इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि जो इनर्शिया सॉरी अब हम हमें पता है कि जो इनर्शिया होगी बॉडी का उसका ग्रेविटेशनल मास के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम क्या करते हैं I की वैल्यू को इंटेंसिटी की वैल्यू को वन के इक्वल रख देते हैं तब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल मास है उसकी वैल्यू किसके इक्वल पर आ जाएगी फोर्स के इक्वल आ जाएगी ग्रेविटेशनल पुल के इक्वल इक्वल आ जाएगी तो यहाँ से हमारे पास ग्रेविटेशनल मास की डेफिनेशन क्या बनेगी ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंसड बाय अ बॉडी एक्सपीरियंसड बाय अ बॉडी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी ठीक है यहां से हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल मास ऑफ ऑफ अ अ बॉडी इज एक्सपीरियंस बाय बॉडी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी ऑफ यूनिट इंटेंसिटी ये था हमारे पास इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास की डेफिनेशन अब हमने देखना है कि इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कैसे हम दिखा सकते हैं तो अब हम क्या देखेंगे कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास के बीच में क्या कंपेयर कंपेरिजन है हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है दोनों में जो दोनों में फर्स्ट पॉइंट है इनके यूनिट्स क्या हैं वो सेम रहेगी इनके यूनिट्स क्या हैं दोनों की सेम रहेगी दोनों क्या है स्केलर क्वांटिटीज हैं दोनों क्या है स्केलर क्वांटिटीज ये हो गया सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या है थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बोथ द क्वांटिटीज जो हमारे पास दोनों मासज़ हैं जो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है एक दूसरे के इक्वल है फोर्थ पॉइंट क्या होगा जो ग्रेविटेशनल मास होगा बॉडी का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अगर उसके नियर बाय कोई भी बॉडी प्रेजेंट होगी बट इनर्शियल मास में ऐसा नहीं होता ग्रेविटेशनल मास में क्या होगा दोनों बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा जो ग्रेविटेशनल मास है वो इफेक्ट कर जाएगा लेकिन इनर्शियल मास में किसी भी नियर बाय बॉडी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशनल मास को हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं बाय स्प्रिंग बैलेंस जबकि इनर्शियल मास को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर्शियल बैलेंस और जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो क्या है कि ग्रेविटेशनल मास जो है बॉडी का उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि इनर्शियल मास में क्या होगा हम एक्सेलरेशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन को हम फाइंड करेंगे तो वहां से हमें इनर्शियल मास की वैल्यू मिल जाएगी ये था कंपेरिजन इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मासिस के बीच में एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ दोनों की यूनिट्स क्या है किलोग्राम दोनों क्या है स्केलर क्वांटिटीज हैं दोनों क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं जो ग्रेविटेशनल मास होता है बॉडी का उसके ऊपर जो नियर बाय अगर कोई बॉडी प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा जबकि इनर्शियल मास के केस में ऐसा नहीं होता ग्रेविटेशनल मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से और इनर्शियल मास को हम कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर्शियल बैलेंस और लास्ट पॉइंट क्या है जो ग्रेविटेशनल मास होता है बॉडी का उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू को फाइंड करेंगे इसी इसी के साथ जो हमारे पास इनर्शियल मास है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम एक्सरेशन uh, की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम इनर्शियल मास को भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये था कंपैरिजन इन बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास और टोटल क्या है इसमें सिक्स पॉइंट्स हैं टोटल क्या है सिक्स पॉइंट्स हैं तो इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है बहुत इजी है आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से सुनी है और जो अगर आपने पिछले पॉइंट्स जो पिछले टॉपिक्स मैंने करवाए हैं अगर आपने वो अच्छे से सुने हैं अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसके बाद हम क्या करेंगे हमारे पास जो इसका लास्ट पचना है वो क्या है इक्विवेलेंस हम देखेंगे कि जो हमने पॉइंट बोला था दैट इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर वो इक्विवेलेंस कैसे आती है इनके ऊपर तो so, सबसे पहले हमने क्या कंसिडर कर लिया कि हमारे पास कोई भी दो बॉडीज़ हैं ए बॉडी और बी बॉडी हमारे पास कोई भी दो बॉडीज़ हैं ए और बी जिनका ग्रेविटेशनल मास क्या है ए बॉडी का है एम जी और बी बॉडी का है एम जी डैश उसके बाद हमने क्या किया है ये जो दोनों बॉडीज हैं किसी थर्ड बॉडी से कोई भी थर्ड बॉडी है हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि वो थर्ड बॉडी क्या है अर्थ है उस थर्ड बॉडी से क्या है कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है जिसको हमने डिस्टेंस दिया है आर उसके बाद हमने क्या देखना है इस जो C बॉडी है उसका मास है m डिस्टेंस क्या है r दोनों बॉडीज का इससे डिस्टेंस कितना हो गया सेम डिस्टेंस है कितना r तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा C के द्वारा C के द्वारा C ऑन A C का A के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो कितना होगा F इज इक्वल टू जी एम ए के ऊपर मास कितना है एम जी Over Similarly, F ले लेते हैं कि C का B के ऊपर कितना होगा Force exert. G, M, M, G dash over उसके बाद हमने दोनों को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है जी एम बाई आर स्क्वायर दोनों केसेस में कैंसिल हो जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी एम जी एंड एम जी डैश हमारे पास ये वैल्यू बचेगी हमने हम इसका एक रिजल्ट लिख लेते हैं साइड में कि हमें क्या आंसर मिला है इस इक्वेशन से इसको सोल्व करके एफ ओवर एफ डैश इज इक्व टू एम जी ओवर एम जी डैश अब हम दूसरा केस ले लेते हैं कि हमारे पास एम आई और एम आई डैश क्या है इनर्शियल मासिस हैं दो बॉडीज के एक बॉडी है हमारे पास ए इसका मास है इनर्शियल मास एम आई बी बॉडी का इनर्शियल मास है एम आई डैश और सिमिलरली ये क्या है इसको हमने क्या किया है कि किसी वैक्यूम के अंदर हमने इसको रख दिया है प्लेस कर दिया है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तब उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी फोर्स की वो क्या होगी एफ इज इक्वल टू ए ए की बात करेंगे सबसे पहले ए पॉइंट की एम आई जी बी की होगी एम आई डैश जी सॉरी यहाँ पे फोर्स एफ डैश एफ की वैल्यू होगी एम आई जी एफ डैश की वैल्यू होगी एम आई डैश जी दोनों को डिवाइड करेंगे एफ ओवर एफ डैश तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी एम आई ओवर एम आई डैश अब है ये इक्वेशन नंबर वन ये है इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम वन एंड टू हमें क्या पता चल रहा है एम जी ओवर एम जी डैश इज इक्व टू एम आई ओवर एम आई डैश तो अब हमें इन इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है इस रिजल्ट से कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल मास है बॉडी का वो किसके प्रोपोर्शनल है इनर्शियल मास की ग्रेविटेशनल मास ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू तो इनर्शियल मास एंड इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडीज़ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एक दूसरे के क्या हैं आइडेंटिकल मीन्स इक्वल हैं एक दूसरे के ठीक है ये था इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंस और ये इनकी डेफिनेशन और जो हमने कंपैरिजन किया है वो तो ये आपको क्वेश्चन दो मार्क्स में पूछ सकते हैं पेपर में तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए सिंपल डेफिनेशन है कुछ भी नहीं है अगर आपने डेफिनेशन या फिर पिछले टॉपिक्स आपने अच्छी तरह कर रखे हैं तो आपके लिए डेफिनेशन कोई भी मुश्किल नहीं है सो दिस दैट वॉज इट फॉर टू वीडियो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रही होगी अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि बाकी बच्चे भी और बाकी लोग भी इस वीडियो को फायदा उठा सके थैंक यू फॉर वॉचिंग